प्लीज मत करो ऐसा बेबे, हमें गलत ना समझो। सब गलत समझ रहे हैं, सबकी गलतफहमी मैं दूर करूंगी बेबे। आज इतना अच्छा दिन, इतना देखो स्वर्ण निखार, स्वर्ण निखार फिर से निखर रहा है बेबे। इस बिजनेस को दोबारा से खड़ा करने का मेरा एक मकसद यही था बेबे, कि हमारा पूरा परिवार, हम सब फिर से एक हो जाए। हो रहा है बेबे, उसके दिशा नजर भी आ रहे हैं। अब बेबे मुझे लगता है कि मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें पिछली सारी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए बेबे। हाँ हाँ बेबे, नकुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जाने देते हैं ना। आज की ये जो कमाई है ना स्वर्ण निखार की, ये हम सबकी कमाई है, हम सबकी जीत है, मेरे पूरे परिवार की, मेरे बेटों की, मेरे बहुओं की, उनके बच्चों की, मेरी आपकी बेबे। अजीत लांबा का नाम नहीं लिया तूने? हकदार तो ये भी है इस कमाई का। चलिए पापा, अब और बेइज्जती नहीं करवानी है। रुक दीदी, बस एक मिनट। बेबे जितनी तकलीफ आपको होती है ना, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है अजीत के यहाँ होने से। मैं चाहती हूँ कि वो अपने घर जाए, अपने परिवार के साथ रहे। उसके लिए उसका परिवार उतना ही मायने रखता है जितना मेरे लिए मेरा परिवार। आपको शायद यकीन ना हो, पर मैं एक मिनट के लिए भी अजीत को इस घर में रहने नहीं देना चाहती थी। फिर मेरी समझ में आया कि क्यों मेरे रब, मेरे बेदी साहब ने मेरी जिम्मेदारी अजीत को दी, क्यों उन्होंने ये फैसला किया। मेरे बेदी साहब के फैसले के खिलाफ तो मैं उनके जीते जी नहीं गई बेबे, उनके जाने के बाद कैसे जाऊंगी। जिस दोस्ती को आप कोस रहे हो ना बेबे, बेदी साहब के जाने के बाद उसी दोस्ती ने मुझे इस घर को संभाला है, जब मेरे साथ मेरा अपना कोई नहीं था। ना खून के रिश्ते साथ दे रहे थे उस वक्त, बिना दुनिया की किसी की परवाह किए इस दोस्त ने मेरा साथ दिया। वो भले 20 कदम दूर चल रहा था, साथ दे रहा था बेबे। आज जब सब इसके खिलाफ है, वो लगता है मैं इसका साथ छोड़ दूंगी? नहीं छोड़ सकती बेबे। इसने मेरा साथ दिया तो मैं भी इसका साथ दूंगी। बेबे अजीत को बेटी साहब पूरे मान के साथ इस घर में ले आए थे। आज अगर आप अजीत को इस घर से इस तरह निकालते हो तो बेदी साहब के साथ अपने रिश्ते और फर्ज दोनों के लिहाज को आप नहीं रखोगे। अजीत को मान देकर बेदी साहब यहां लाए और बेदी साहब का मान रखना, ये मेरा फर्ज है। इसलिए अजीत यहां से नहीं जाएगा बेबे। वो उस दिन जाएगा जिस दिन बेदी साहब को किया वादा पूरा करके उसका गुरूर उसके चेहरे पर चमकेगा, उस दिन जाएगा।
रणवीर जी, भाभी चलो। बस तूने जो कहना था कह दिया। बेबे ये चेक आप रखो। बेबे बच्चों की कमाई पर घर के बड़ों का सबसे पहला हक होता है, और फिर ये तो आपके बेटे के बिजनेस की कमाई का चेक है, इसे आप मना ना करो बेबे। ख्याल रखना अपने। I love you, baby. मैंने पता है बेबे, पता है कि इस वक्त हमारी सोच एक नहीं है, पर बंधे तो हम एक ही डोर के साथ है ना बेबे। आपके बेटे की डोर से, मेरे बेनी साहब की डोर से, और इस डोर को कमजोर ना आप करना चाहोगे ना ही मैं, क्योंकि इसमें हार तो फिर हम तीन की होनी है ना, आपकी मेरी और बेटी साहब की। बेटी साहब हमेशा मुझसे कहते हैं, सोनी है भले दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए पर तू सही का साथ मत छोड़ना, क्योंकि गलत का साथ देकर लोगों के सामने तू सही हो सकती है, लेकिन सही का साथ देकर तू गलत लगकर भी हमेशा सही के साथ होगी। लेकिन बहुत जल्द आपके समझ में आ जाएगा बेबे, मैंने हमेशा सही का साथ दिया है। हो सकता तू सही कह रही हो स्वर्ण, पर ये क्या सही है कि अपने घर की बागडोर कोई बाहर वाला संभाले? अंदर जो कुछ भी हुआ पुत्र, मुझे माफ कर दो। और तुम लोगों ने तो कुछ खाया भी नहीं होगा ना, सुबह सुबह यहीं आ गए। पेट भर गया पापा, कुछ नहीं चाहिए। ना लाडो ऐसे नहीं बोलते। ठीक है पापा, दिल्ली को शिमला लेके जाना है आज। हाँ पुत्र, तूने बताया था ठंड होगी वहां है। एक मिनट रुक, तू चाहती है ना कि तेरे बेटे तेरे पर भरोसा करें, तो तुझे भी उन पे भरोसा करना हो। तू चाहती है ना कि तेरे बच्चे तेरे पास लौट आए, तो उनके लौटने की वजह और जगह तुझे ही देनी होगी। ये स्वर्ण घर उन्हीं का है ना, बोल है कि नहीं? बिल्कुल है बेबे, ये स्वर्ण घर, यहाँ की चीजें, सब कुछ उन्हीं का ही तो है। और मेरे बच्चों को भी तो इसकी कदर होनी चाहिए ना बेबे। जिस दिन मेरे बच्चे इस घर की कीमत रुपयों से नहीं, प्यार जज्बात रिश्तों से लगाएंगे ना, उस दिन मैं समझ जाऊंगी कि मेरे बच्चे इस घर के लायक हैं। अरे दिल्लू को पहना देना, थोड़ी बड़ी है पर ठंड रुकेगी। जी ले पुत्र। पापा ये मैं वो पुत्र रख, वो बड़े दिनों बाद तू अंकिता और दिल्लू को लेके कहीं जा रहा है, कुछ अच्छा सा ले लेना दोनों के लिए, और अपने लिए भी एक आध कमीज ले लेना। ले पुत्र तू भी रख, वैसी रूंदी शक्ल ना बना, तेरे पापा जी वापस आ जाएंगे। बेबे जिस दिन मेरे बच्चों को लगेगा ये घर अनमोल है, उस दिन वो किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास नहीं जाएंगे बेबे, मेरे पास अपनी माँ के पास आएंगे। तुझे पता है ना नकुल की नौकरी चली गई,
और विक्रम वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ बैठा है, उन्हें भी तो कुछ चाहिए ना। है ना बेबे, स्वरण निखार है ना, उनके पापा ऐसे नहीं चले गए बेबे, अपने बच्चों के रहने के लिए घर, कमाने के लिए बिजनेस, दोनों छोड़ के गए। पर मेरे बच्चों को इसकी कीमत जाननी पड़ेगी बेबे, मेहनत करे ना, सीखे बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। मेरा हाथ बटाए चलाए स्वरण निखार का बिजनेस, मेरे बच्चों को अपने आप को साबित करना पड़ेगा बेबे। पापा जी मैं जानता हूँ आप ये सब क्यों कह रहे हैं, आपकी नीयत तो साफ, लेकिन ये जो बर्ताव, जो बातें आपको सुनाई जा रही, वो सब मैं कैसे सह सकता हूँ। ना पुत्र ना, उस सिक्के का दूसरा पहलू भी देख, वो देखा ना तूने, स्वरण अपने परिवार के सामने कैसे खड़ी होगी, वो मेरे नाल खड़ी होगी। वो तो एक दिन आराम नाल समझावांगा, उस दिन का इंतजार है। ये तो तू बेकार की जिद कर रही है, जो उनका है उनको दे दे। मैं भी तो यही चाहती हूँ बेबे, कि जो उनका है उन्हें दे दूं, पर उससे पहले बच्चों को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि ये उनका है, और जो अपना होता है वो अनमोल होता है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। वक्त आप मेरी बात नहीं समझ रही है बेबे, अपने पोतों के प्यार की पट्टी जो बंधी हुई है आपकी आंखों पर। दिव्य पुत्र, वो मायके का शगुन होता है। जब अपने मायके आऊंगी ना पापा जी, तब ले लूंगी। जी मैं बहुत थक गई, मुझे घर छोड़ दोगे? चलते हैं पापा। तू चाहती है ना कि तेरे बच्चे तेरे पास लौट आए, तो उनके लौटने की वजह और जगह तुझे ही देनी होगी। तुझे यहां से जाने से रोका इसलिए? अपने इस घर से सर झुकते हुए जाने से रोका इसलिए? मैं तो हो ही नहीं सकता ना अजीत, कि मेरे होते हुए मेरे दोस्त का सर झुक जाए और मेरे होते हुए तेरा सुर। हम गलत नहीं है ना अजीत, पता है वही हम गलत। फिर कर लेंगे ना, वो समेट लेंगे, तू तेरे परिवार को, मैं अपने परिवार को। मम्मा यही कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ आज? मैं बहुत कुछ, वेरी मजा आपी। अच्छा ठीक है ठीक, वो बात बात बात, वो दस दे होया की है। मैनू आज रोल मिल गया, आपका बेटा हीरो बन गया। टाइगर ने मेरी मम्मा सुन ली है, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। हीरो बन गया, तरक्की करे मेरा बच्चा। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। वो जो हीरो है ना, वो अपनी हीरोइन को महान साबित करने की कोशिश कर रहा है। और तो और, जो हीरोइन अभी तक डरी सहमी रहती थी ना, वो भी अब खुल के सामने आ गई है। कौन सी फिल्म बना रहे हैं? कहती है कोई दोस्ती के ऊपर बना रहे हैं। दोस्ती के ऊपर होती तो अब तक फ्लॉप नहीं हो गई होती। इनकी फिल्म तो जी सुपर हिट जा रही है। सियाने ठीक ही कह गए ने, एक मुंडा थे कुड़ी कभी दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर लव स्टोरी में आया विलेन मुकेम्बो। बेबे
डॉन, प्यार की दुश्मन, लेडी मुकेम्बो, यू मीन हीरोइन की बेबे। सही कहा, जहां ना पहुंचे कोई भी खबर वहां पहुंच जाती है बेबे की नजर। नजर ही नहीं, बेबे खुद ही पहुंच जाती है। बेबे, बेबे तुसी, बेबे एक बात बताऊं, वैसे हम ना टीवी सीरियल की बात ही कर रहे थे, आपको तो पता ही आजकल कैसी स्टोरियां चलती हैं टीवी पे, कोई भी बात छेड़ो ऐसे लगता है कि किसी की बुराई कर रहे थे। सीरियल को क्यों बदनाम करती है निमो, वैसे तेरे जैसे लोग तो हर जगह मिल जाते हैं। मुझे सब समझ में आ रहा था कि किसके बारे में बातें हो रही थी। वो सीरियल का क्या नाम था? संधम की सास ना आईराज। मम्मा, आप कहते हो ना खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। बिल्कुल पुत्र। अब देखो, मैं क्यों आया? वेट। आपके नियत तो साफ, लेकिन ये जो बर्ताव, जो बातें आपको सुनाई जा रही है, वो सब मैं कैसे सह सकता हूँ? दिव्य पुत्र, वो मायके का शगुन होता है। जब अपने मायके आऊंगी ना पापा जी, तब ले लूंगी। मैं माफ कर दो मेरे बच्चों, ना चाहते हुए भी मैं तुम लोगों का दिल दुखा रहा हूँ, पर मैं की करा, एक वादे से जो बंधा हूँ मैं। जब मेरे साथ मेरा अपना कोई नहीं था, उस वक्त बिना दुनिया की किसी की परवाह किए इस दोस्त ने मेरा साथ दिया। अजीत को मान देकर बेदी साहब यहाँ लाए, और बेदी साहब का मान रखना ये मेरा फर्ज। अजीत यहाँ से नहीं जाएगा बेबी। आज पहली बार सुरन ने सबके सामने मेरा साथ दिया है, बस रब्बा ध्यान रखना कि हमारी दोस्ती को किसी की नजर ना लग जाए।